दोनों हाथों को बुलंद करके इस नीयत से बोले, अल्लाह करे ये हमारी बख्शिश के काम आ जाए। कि जैसे मेरे सर साल है ऐसा सही कोई नहीं, कोई जैसे मेरे सर साल है ऐसा सही कोई जैसे मेरे सर साल। माशाल्लाह उसकी बात ही अलग, क्योंकि वो इश्क का जाम पी कर बैठा होता है। अल्लाह अगर हम सब पीने वाले हो जाए, तहारत वाली पाकीज़ा मैं पीने वाले हो जाए। आपने देखा होगा भाई, मैं ये चाहता हूँ कि अब महफूज भाई को बोलना ना पड़े कि बैठ जाओ, अब बोलना ना पड़े, क्योंकि अब अगर इन्होंने बोला ना तो मैं आपको पकड़ूंगा। ये बता दो, इनको पकड़ो फिर ये खड़े हो जाते हैं, हाँ तो फिर इनको पकड़ो ना या फिर आपको पकड़ो। हाँ जज्बात में बैठना भी, जज्बात काबू में रखने हैं, अभी अभी लंगर भी खाना है, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुनहरी जालियों के सामने जाते हैं कुछ लोग, बड़ी अहम बात, और वहाँ जो सुराख बना हुआ है उसमें ऐसे ऐसे करके देख रहे होते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे बहुत अजीब लगता है। शायर ने शेर कहा, अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, दूसरी लाइन सुनकर देखते हैं कौन सा बंदा कितनी मोहब्बत से बोलता है सुभान अल्लाह। मुझे लगता है महफिल में आज की महफिल की सबसे बड़ी सुभान अल्लाह की सदा होगी इंशाअल्लाह। शायर ने कहा सरकार का रोजा है तमाशा सही कोई नहीं, कोई सरकार का रोजा है तमाशा सही कोई नहीं, कोई जैसे रिसालत का वो पढ़ लेता हूँ। गाजी मुमताज कादरी, मसलन जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, कौन कौन इनके बारे में जानता है, सच सच बता रहा हूं। ये वो जस्टिस साहब है कि जिन्होंने कहा कि ये गुस्ताख ब्लॉगर है, ये सबसे बड़े दहशतगर्द है। बोला जिस करीम आका ने मैदान महशर में हमारी शफात करनी है उनके बारे में ये बकवास कर रहे हैं, और तुम लोग हाथ पे हाथ रखकर बैठे हो। अरे मैं क्या, मेरे माँ बाप, मेरी नौकरी, सब कुछ मेरे आका के नाम पर कुर्बान। जस्टिस साहब आपको मुबारक हो, आपने सौदा नहीं किया, हाँ आपने ईमान का सौदा नहीं किया, हाँ बोलो सुभान अल्लाह। तो शायर ने कहा
जब तक जिएंगे सांग पे किरदार रहेंगे, बातिल से सदा पर सर पैकार रहेंगे, कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन, कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन सरकार मदीना के वफादार रहेंगे, नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे, सरकार के नौकर वफादार बनकर आया है। अब जो शेर पढ़ रहा हूँ भाई, प्यारे भाई, अब जो शेर पढ़ रहा हूँ जी, पहली लाइन के बाद नहीं कहना सुभान अल्लाह, लेकिन दूसरी लाइन के बाद तो हर बंदा बोलेगा। बात बहुत बड़ी है। शायर ने कहा, सरकार के मकाम को जो जान जाने, क्या बता रहे हैं, सरकार के मकाम को जो जान जान, मैं ऐसी हुक्मरानों को पहचान जा, अब पार्लियामेंट में वही आएगा जो नामों से रिसालत का दिफा करेगा। सरकार के मकाम को जो जानता नहीं, मैं ऐसे हुक्मरानों को पहचान जा रही, अरे नामों से मोहम्मद का जगह पास नहीं हो, नामों से मोहम्मद का जगह पास नहीं हो, ऐसे किसी निजाम को मैं मानता नहीं, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब जो शेर पढ़ रहा हूँ, मेरे पास इससे बड़ा शेर नहीं है मेरे पास इससे बड़ा शेर। तीसरी लाइन सुनकर जिस बंदे ने जितनी अकीदत से सुभान अल्लाह बोला ना, ये उसकी बख्शिश के लिए काम आए इंशाअल्लाह, क्योंकि तीसरी लाइन बहुत बड़ी है, इश्क में डूबी हुई बात है। हाय हाय हाय, आपको लगेगा आप इश्क की मंजिल के करीब चले गए हैं, लेकिन तीसरी लाइन सुनकर अगर मोहब्बत से बोला सुभान अल्लाह, तो शायर ने कहा, कोई उमर तो कोई जनाबे बिलाल है, कोई उमर तो कोई जनाबे बिलाल है, इश्क अदब की राह में ये बाकमाल, कोई उम्र तो कोई जनाबे बिलाल है, इश्को अदब की राह में ये बागवान है, चेहरे पे मन रंगे नवाबे रसूल पाक, चेहरे पे मन रंगे नवाबे रसूल पाक, ताजिए में मुस्तफा सरकार के नौकर वफादार रहेंगे, खाली वफादार बोले, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे। ऑफिशियल पेज पर महफिल लाइव जा रही है, पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं बाबा, ये रात के 2:30 बज रहे हैं और ऐसा जज्बा,
रिसालत का मामला है। हाँ, इसमें टाइम नहीं देखा जाता। हाँ, इसमें तो देखा जाता है कि बात कितनी बड़ी है। हाँ, और अब जो शेर पढ़ रहा हूँ, इस शेर में जितनी बड़ी बात है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे पास। शायर ने कहा, अगर जीने के बाद, मरने के बाद अगर जीना चाहता है तो ये दुआ कर ले, बाद अस कजा, मरने के बाद अगर जीना चाहता है तो ये दुआ कर ले। शेर सुनिएगा। ज़हरा के प्यारे लाल से है जलते चेहरे से, नहीं जो हुसैनी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़हरा के प्यारे लाल से है जलते चेहरे से, सजदाए उसी को इबादत के ज़हन से, क्योंकि दोनों को बड़ा इंतजार होता है कि भाई हमारा सेहरा कब पढ़ा जाएगा। तो आइए सेहरा पढ़ते हैं। क्या नाम है? आमिर और सलमान। बड़े कौन है? ये आमिर है, ये सलमान है। तो आप दोनों खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। अब तुम्हारा सेहरा पढ़ा चाहिए मेरे को। अपनी बारे में बुलाओगे क्या? इनके हमारे साहब भी आ जाए, महफूज में आप भी आ जाए। महफूज भाई आप भी आ जाएं और स्टेज को जरा महफूज बना दो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लेता हूँ। मसल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मा वजूदी वल करम अलैहि व आला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। फज़ल रब्बे पाक से आमिर मेरा तो दोनों या खुदा, जब तक
خوب خدمت خدمت سنتوں کی یہ صدا کرتے رہے پیش کر رہا ہوں، کون سا کلام ہے وہ؟ بنا کر